इस प्रॉब्लम को अगर एड्रेस करना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि अपना एडमिनिस्ट्रेशन सुधारिए। बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन, बेसिक ब्यूरोक्रेसी, वो जब तक के नहीं सुधरेगी कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन नहीं सुधरने वाला है। वही लोग सब कुछ देखते हैं, वही लोग सब कुछ संभालते हैं। ये जो राजा वाला एटीट्यूड लेके ये बैठते हैं कि हम तो वी नो एवरीथिंग और वी आर द किंग्स, है ना, और आप आओ प्रजा की तरह हमारे सामने, ये सब एटीट्यूड बंद करें। एक अकाउंटेबल एटीट्यूड रखें, उनके ऊपर हमेशा क्वेश्चन हो। दूसरी चीज, इनके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको कम किया जाए, इनको कंप्यूटराइज करिए, टेक्नोलॉजी से इनको, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सिस्टम्स बनाइए जिससे कि चीज़ें स्मार्ट वे में हो। वही फाइलों में धूल लगी हुई है, चल रहा है धीरे धीरे, इधर इस ऑफिस से उस ऑफिस फाइल जा रही है, उसमें इतना टाइम लग रहा है, इतने पैसा खिलाओ, एक छोटा सा काम रहता है उसमें। एक बार मुझे एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत थी विदेश जाने के लिए, और इतना परेशान किया इन पुलिस वालों ने उस पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट देने के लिए। पता नहीं उनका इंटेंशन क्या था, घूस खाना था शायद, कुछ क्लियरली बोला नहीं, लेकिन दे ही नहीं रहा था। अल्टीमेटली मैंने गूगल में से एसएसपी का, कानपुर के एसएसपी का नंबर खोजा और उसको कॉल किया, एसएसपी को सीधा, आनंद दबे, आनंद देव नाम था उनका एसएसपी का, तुरंत कॉल किया। उन्होंने जैसे ही मैंने कॉल किया 15 मिनट में इन्होंने दे दिया। तो ये सब चीज़ें, ये आपका जो काम है उसको सीरियसली करो। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया इनकी वर्किंग बताने के लिए। इस तरह की परेशानियां आपने भी झेली होंगी, और हो सकता है परेशान होकर आपने कभी ना कभी घुस दे दी हो। मैं तो कभी नहीं देता, जहां तक जाना हो मैं टॉप तक जाऊंगा, कभी इनको घूस फूस नहीं देता मैं। तो ये सब चीज़ों को एक ऐसा सिस्टम बनाइए, इस तरह के रूल्स बनाइए, टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए हर जगह सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करिए। जो भी ये गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं हर जगह सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल करिए। जब तक ये कोई सुन के कह सकता है यार तुम क्या नगर पालिका लेवल की बात कर रहे हो, ये बात वो नहीं है। डेवलप्ड कंट्री यही होती है, बेसिक छोटी छोटी चीज़ों से ही शुरू होता है। बड़ी बड़ी इमारतें ऐसे ही नहीं बन जाती हैं। आप कोई 3000 करोड़ रुपए का उठा के एक कोई प्रोजेक्ट लेके एक स्टैचू बना देंगे, लेकिन वो बस उतना ही रह जाएगा और कुछ रह नहीं जाएगा आपके यहाँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके कंट्री का पूरा जो है कंप्लीट डेवलपमेंट हो, बिल्कुल एक एक चप्पे चप्पे का डेवलपमेंट हो, तो ये यहीं से शुरुआत होती है कि आप जो है बेसिक जो चीज़ें हैं, पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उनको ईजी करिए। एक एक छोटी मोटी चीज़ लगाने के लिए एक तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि ये बिजनेस वाले परेशान अलग होते हैं, दूसरे इनको इन बाबुओं की ऐसी घूस लेने की आदत है कि उसमें वो अलग परेशान होते हैं। मतलब इतना बड़ा 135 करोड़ का कस्टमर बेस होते हुए भी हमारे देश में लोग बिजनेस करने से घबराते हैं। क्या कारण है, क्यों नहीं हमारे यहाँ इतने बिजनेस आते हैं, कहीं और लगा लेंगे। यही सब दिक्कतें हैं हर लेवल पर। एक तो इनको बिजनेस लाने में ब्यूरोक्रेसी का सामना करना पड़ता है, दूसरे क्या होता है बिजनेस में इनके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बहुत ज़्यादा लगते हैं। क्यों ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा चार्जेस लगते हैं, सड़कें इतनी ख़राब हैं कि अच्छी सड़क रहेगी तो भाई गाड़ी आराम से चलेगी। ये छोटी सी बात है, ये जब एक बड़े पैमाने पर अगर आप देखें कोई कंपनी ऑपरेट होती है तो इसमें करोड़ों करोड़ों का खर्चा